हमारे साथ मौजूद है कैमरामैन प्रकाश कुमार पंडित और हम जहाँ पर उपस्थित हैं वो पंचायत बेला प्रखंड का एक ही गांव है और यहाँ पर किसान चौपाल 2022 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर बाहर से यानी कि पटना से भी टीम आए हुए हैं और चलिए कि उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये चौपाल नुक्कड़ नाटक पे पेश किया जा रहा है, इसे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम सत्य प्रकाश हुआ है, मैं इरगी पंचायत का कृषि समन्वयक हूँ। आज यहाँ किसान चौपाल का आयोजन किया गया है इरगी पंचायत में महादेव स्थान। यहाँ पर नाटक मंडली के माध्यम से किसानों को भी कृषि विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनको सरलता से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है और किसान भाई हमारे जो हैं इसका समुचित लाभ उठा रहे हैं। सर आप ये हर दिन नुक्कड़ नाटक का आयोजन करते हैं? जी हाँ, 1 जुलाई से 20 जुलाई तक, आज ये शायद अंतिम है। आज अंतिम यहाँ से रोना जाएंगे हम लोग और पूरे बिहार में चल रहे हैं। नुक्कड़ नाटक जो आप पेश कर रहे हैं उनमें आपको जो किसान यहाँ के यहाँ कृषि सलाहकार होते हैं वो आपको क्या हल करते हैं, कैसे मदद करते हैं वो लोग आपको? ये जो नुक्कड़ नाटक बताया जा रहा है हमारी पंचायत के जो किसान सलाहकार अनिल यादव, वो पहले पूरे गांव को खबर देते हैं, पूरे पीछे हमारे माननीय मुखिया जी भी आमंत्रित हैं, मुखिया जी आमंत्रित हैं वो यहाँ पर मौजूद हमारे इरकी पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किसानों को किस तरह मदद करते हैं और क्या क्या इनके अंदर किसानों के लिए क्या जज्बा है, क्या बताना चाहते हैं वो अपना बताएंगे। किसान, मैं बिरदानंद कुमार, ग्राम पंचायत इरकी मुखिया। किसान का जज्बा तो धरती माँ का मने उपज इतना करते हैं, जैसे सरकार का योजना चल रहा है नाटक के माध्यम से सभी लोगों ने बताएं कि ऐसे खेती करना, किस यंत्र को लेना है, सब्सिडी है, तो किसान लोग जो चाहें इच्छुक हैं वो अपना फार्म भरेंगे, लेंगे। तो किसानों को आप मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, काहे नहीं करते हैं, हम लोग तो किसान हैं, हम भी खुद किसान हैं, हम भी मदद लेते हैं लोगों से। और यहाँ पर मौजूद है हमारे किसान सलाहकार, सर अपना परिचय देंगे। मैं अनिल कुमार था, पंचायत एपी में किसान सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं जो भी योजना आता है उसकी सारी जानकारी पूरे पंचायत में देता हूँ और सारे पंचायत, मेरे पंचायत में 7 राजस्व गांव हैं और 2 बेचिरागे गांव हैं। मैं 7 राजस्व गांव का जनता को घर घर जा कर के अपना जो आते हैं मेरे ब्लॉक में सारी स्कीम उसके बारे में बताता हूँ और उसके लाभ। सर अभी नुक्कड़ नाटक में बताया जा रहा था कि किसान को जो खेती का जो मिट्टी है उसका भी जांच किया जाता है, क्या आप करवाते हैं? हाँ, अभी हाल फिलहाल में हमने इरकी पंचायत में से पूरा ग्राम का 65 नमूना लिए मिट्टी का, सॉइल टेस्ट का, और वो जाकर जिला कृषि कार्यालय में जमा किया गया। अच्छी बात है, जो पटना टीम से आए जो ये माध्यम चला रहे हैं, जो नुक्कड़ नाटक चलाते हैं उनके भी कुछ अतिथि हैं, उनसे थोड़ी बात करते हैं। क्या आपको इस नाटक के माध्यम से आप क्या किसानों के या यहाँ के जनता को क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, किसानों को जागृत कर रहे हैं जो देश के अन्नदाता कहलाते हैं। हमें बहुत आनंद मिलता है जब किसान लोग हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। और ये 1 तारीख से लगातार 20 तारीख तक पूरे बिहार के 38 जिला में यह कार्यक्रम चल रहा है, कोई पंचायत इससे अछूता बिहार का नहीं है। एक साथ पूरे 38 जिले में चल रही है ये किसान चौपाल का कार्यक्रम, 20 को ये समाप्त होने वाली है। आज 20 है, अंतिम घड़ी में हम लोग चल रहे हैं और किसानों का बहुत अच्छा सहयोग मिला, हम लोगों ने जानकारी दिया, उसका लाभ भी उठाने के लिए वो तैयार हैं और बड़े उत्साह से। अभी मौसम की बेरुखी थोड़ी सता रही है किसानों को, लेकिन अभी भी उनका जज्बा वही है, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि ये देश दो ही पट्टी का है, एक किसान और दूसरा जवान। तो अपना इन्होंने अपना राय व्यक्त किए और अब देखते रहे आप बीआरए टीवी। पर हो गया जिंदगी हा भाई, घर की आई बिना हो घर की पर हो गया जिंदगी हा भाई।
बाल भाई को सब दोस्त पहुँचाना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं लेकिन बहुत लागत लगता है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन यही से पूरा भारत, पूरा देश, पूरा जवान टिक रहा। कैसे हो भारतीय किसान चौपाल में कलाकार आकर पटना से चलकर हमने गया जिला में संदेश देने के लिए कहा, हो जागो ये किसान भाई जागो नौजवान, किसान भाई जागा नौजवान, दिए पेटी कल बाटे देशवा के सनवा, भूखे चल जाई जनवा धरती माई बिना खेती ना कर।